क्या हाल है भाइयों, मैं हूं हर्ष रोहिला और आज हम खड़े हैं मारुति स्विफ्ट के सामने। जो बंदे भी स्विफ्ट को खरीदते थे उनको करोल बाग जाना पड़ता था मॉडिफिकेशन के लिए, बट अब उनको करोल बाग नहीं जाना पड़ेगा बिकॉज पहले ही स्विफ्ट अपने आप मॉडिफाई करके दे रही है गाड़ी। जो गाड़ी की फ्रंट लुक है वो काफी ज्यादा स्पोर्टी बना दी गई है। सेम इसमें आपको बीच में मारुति का लोगो मिल जाएगा। अगर बम्फर की बात करें तो बम्फर काफी ज्यादा स्पोर्टी कर दिया गया है। नीचे आप स्विफ्ट की बैजिंग भी देख पाओगे। गाड़ी की जो हेडलाइट्स है वो टोटली सेम है DRL डिजाइन के साथ। प्रोजेक्टर मिलेंगे और फोक लैंप्स भी मिलेंगे इसमें आपको। जो गाड़ी का आप बोनट देख सकते हो, बोनट में आप डिजाइन देख रहे होगे, इसमें आपको शिफ्ट का डिजाइन दिखाई दे जाएगा जो फ्रंट लुक को और ज्यादा स्पोर्टी कर देगा। साथ में इसमें आपको ब्लैक कलर का भी यूज दिखाई दे जाएगा। साइड प्रोफाइल की तरफ मूव करें तो इसमें आपको सेम अलॉय व्हील मिलेंगे सेम प्रोफाइल के साथ। ORBMs पे ब्लैक कलर का यूज दिखाई दे जाएगा आपको। और अगर हम गाड़ी की साइड प्रोफाइल में डिजाइन पे देखें, जो इन्होंने डिजाइन दे रखा गाड़ी पे 0.1 का, वो गाड़ी की अगर कोई बंदा साइड से गाड़ी को देखेगा तो वो कैसे भी नहीं समझ पाएगा कि ये शिफ्ट सही में शिफ्ट है। वो सोचेंगे सही में मॉडिफाई करा रखी है, बट ऐसा नहीं है, ये टोटली कंपनी फिटेड आएगी। और ये जो फ्रंट से डिजाइन जा रहा है, फ्रंट से पीछे तक ये रूफ तक डिजाइन जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है गाड़ी की लुक को देखने में। साइड में नीचे से भी आप देख सकते हो इन्होंने डिजाइनिंग स्पोर्टी एसेसरीज लगा के दी गई है। अगर हम बैक प्रोफाइल की तरफ मूव करें तो बैक प्रोफाइल टोटली सेम रखी गई है, कुछ भी चेंज नहीं करा गया है। सेम वही आपको बैजिंग मिल जाएगी शिफ्ट की, सेम मारुति का लोगो। वाइपर्स मिलेंगे इसमें आपको बैक में। साथ में जो ब्रेक लाइट है, ब्रेक लाइट के साथ में आपको कैमरा मिलेगा। जो गाड़ी की बैक टेल लाइट्स है वो टोटली सेम है, LED का यूज़ करा गया। इसमें आपको 4 रिवर्स सेंसर मिल जाएंगे। और जो बैक बम्पर है गाड़ी का, उसमें आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा वर्क करा गया है। ब्लैक कलर का यूज़ करा गया और साथ में ग्रे कलर का भी यूज़ करा गया, जो गाड़ी की बैक लुक को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। रूफ में आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था पीछे तक डिज़ाइन गया हुआ, और इसमें आपको ब्लैक कलर की रूफ मिलेगी। जो बंदे भी शिफ्ट को लेते थे वो ब्लैक कलर की रूफ करा लेते थे, बट अब उनको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इसमें आपको अपने आप मिलेगी कंपनी की तरफ से। फ्यूल टैंक कैपेसिटी वही सेम मिलेगी, इंजन में फ़र्क है बस, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं। गाड़ी का इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी कर दिया गया। अंदर से बैठने पे ही बंदे को फील आएगी, हाँ भाई मैं गाड़ी में बैठा हूँ। गाड़ी के डोर की बात करें तो इसमें आप फाइबर की फिनिशिंग दिखाई दे जाएगी, इसमें आपको रेड से लेकर ब्लैक तक फिनिशिंग दिखाई दे जाएगी। सीट्स की तरफ मूव करें तो सीट्स आपको फैब्रिक सीट्स मिलेगी और लेदर का भी वर्क दिखाई दे जाएगा। हाइट एडजस्टेबल और मैनुअल कंफर्ट वाइज हम अपनी सीट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। वहीं गाड़ी के स्टेयरिंग की बात करें तो इसमें आपको फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग देखने को मिल जाएगा। टोटली ब्लैक इंटीरियर है गाड़ी का, बट थोड़ा सा लाइनिंग के लिए रेड कलर का यूज कर दिया गया है। गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो नहीं है, बट बीच में आप DIS देख सकते हो जो आपको बताएगा कि आपका डोर वगैरह ओपन है गाड़ी के नहीं है। इसमें क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया गया है गाड़ी में। डिस्प्ले के लिए कंट्रोल स्टेयरिंग में ही है अवेलेबल। गाड़ी का जो ओवरऑल इंटीरियर है उसमें आप लेदर का वर्क तो नहीं देखते हो, बट हार्ड प्लास्टिक का यूज दिखाई दे जाएगा। वहीं AC विंड्स देख सकते हो आप, वही सेम AC विंड्स। डिस्प्ले चेंज कर दी गई है, डिस्प्ले के नीचे AC के कंट्रोल्स ऑटोमेटिक AC मिलेंगे। इसमें आपको ओक्स के लिए नीचे थोड़ा सा फोन के लिए भी स्पेस दिया गया है। इसमें आपको ऑटोमेटिक गियर ऑप्शन भी मिल जाएगा, वही हैंड ब्रेक, बट आर्मरेस्ट नहीं है इस गाड़ी में, आप ये देख सकते हो। जो सीट्स है वो काफी ज्यादा डिजाइनिंग है, सीट्स बहुत बढ़िया लग रही है गाड़ी की। वहीं अगर गाड़ी के हम ग्लव बॉक्स की बात करें तो काफी स्पेशियस इसमें आपको ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। तो चलिए बैक की तरफ मूव करते हैं। बैक की तरफ भी आपको वही सेम मिलेगी, क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी डोर ओपनिंग पे। पीछे भी काफी अच्छा कंफर्ट मिलेगा, बंदा जो पीछे बैठेगा उसको काफी अच्छा कंफर्ट मिलेगा। पीछे किसी को भी ओक्स वगैरह का नहीं ऑप्शन दिया गया है। रूफ इसमें आपको सेम रूफ मिलेगी, वही काफी कंफर्ट सीट्स मिलेगी इसमें आपको। बैक में भी आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, बट जो सीट्स का कंफर्ट है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स है इसमें आपको। बूट स्पेस भी इसमें आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाएगा। जो गाड़ी का स्पेयर टायर होगा वो इसमें आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो गाड़ी के नीचे मिलेगा। साथ में इसमें आपको हेलोजन बल्ब भी दिखाई दे जाएगा रात के वक्त, जो काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। साथ में इसमें आपको पार्सल ट्रे भी मिलेगी। रिक्वेस्ट सेंसर बटन दिया गया है इसमें आपको बैक, अगर किसी को अपनी बूट ओपन करनी हो तो।
तो गाड़ी की जो ओवरऑल लुक थी, अगर गाड़ी की जो ओवरऑल लुक के बारे में हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और अट्रैक्टिव लुक बना दी गई है मारुति ने, ये काफ़ी अच्छा काम करा है शिफ्ट पे। तो जो जो भाई शिफ्ट लवर्स हैं वीडियो को लाइक कर दें, ये जल्दी से मार्केट में आने वाली है, तो जल्दी से जाके इस गाड़ी की बुकिंग भी करा लें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।